अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन की एक डिलीशियस रेसिपी जिसे चिकन चंगेजी कहते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर चिकन, इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले, एक बड़ा चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरे का पाउडर, एक छोटी चम्मच धनिए का पाउडर, एक छोटी चम्मच गरम मसाला, एक नींबू का रस। अब हम इसे यहाँ पर मैरिनेशन के लिए रख देंगे। मैंने इसे यहाँ पर 4 घंटे तक मैरिनेट कर लिया था। अब हम लेंगे यहाँ पर 2 बड़े साइज के प्याज, 1 बड़े साइज का टमाटर, इन्हें हम यहाँ पर फ्राई कर लेंगे। हमें यहाँ पर इन्हें तब तक फ्राई करना है जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। यहाँ पर हमारे प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं, हमें इनका एक फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेना है। चिकन मैरिनेट हो चुका था, मैंने इसे यहाँ पर 3 से 4 घंटे तक अच्छे से मैरिनेट कर लिया था। अब इसे हम फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। मैंने इसे यहाँ पर 8 मिनट तक फ्राई कर लिया था। अब हम उसी बचे हुए तेल में ऐड करेंगे यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम यहाँ पर भून लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अब इसमें ऐड करेंगे हम कुछ मसाले, नमक आधी छोटी चम्मच, लाल मिर्चों का पाउडर 1 छोटा चम्मच, धनिए का पाउडर 1 छोटा चम्मच और हल्दी 1 छोटी चम्मच। 1 से 2 मिनट तक हम इसे यहाँ पर अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों के साथ। हमें यहाँ पर फ्लेम को लो ही रखना है ताकि हमारा ये पेस्ट जले ना। अब यहाँ पर तेल सेपरेट होने लगा है, इसमें हम ऐड करेंगे चिकन। यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था और 2 से 3 मिनट तक भून लिया था। अब इसमें ऐड करेंगे हम कसूरी मेथी, यहाँ पर इसमें ऐड करेंगे हम फ्रेश क्रीम 1/2 कप के करीब। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप मलाई का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1 क्यूब बटर। यहाँ पर हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर इसे हम 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे ढक्कन ढक के। 15 मिनट हो चुके हैं, मैंने इसे यहाँ पर 15 मिनट तक पकाया है और जो ये चिकन है ये तैयार हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा यहाँ पर मिक्स कर लूंगी, मैंने अभी फ्लेम को बंद नहीं किया है। तेल सेपरेट हो चुका है, अब यहाँ पर मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा हरा धनिया। बनके तैयार है हमारा चिकन चंगेजी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। खुदा हाफिज़।